नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेकअप प्रोडक्ट्स जो इस साल रिलीज तो हुए थे पर मैंने नहीं खरीदा, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने नहीं खरीदा। वेस्टर्न यूट्यूबर्स को मैंने ऐसी वीडियो बनाते हुए देखा है, और जेन फेल्प्स, जिनकी वीडियोज़ मैं देखती रहती हूँ, शी इज़ अ रियली गुड यूट्यूबर, उनसे मैंने ये इंस्पिरेशन ली है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये वीडियो बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इस साल रिलीज हुए थे, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगे और अब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैंने नहीं खरीदा, पैसे भी बचाए और अपना मेकअप कलेक्शन और ज़्यादा बढ़ा नहीं लिया फालतू में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं अपने आईपैड पे हूँ और ट्रेंड मोड 1, जो कि एक बहुत ही अच्छा सोर्स है मेरे लिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नए मेकअप रिलीजेस के बारे में, तो मैं उन्हीं का इंस्टाग्राम हैंडल रेफर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है मैराक्यूजा ज्यूसी शिफ्ट। 2023 समर में आया था ये पीएच पावर्ड प्लम्पिंग ग्लॉस बाम बाय टार्ट, और ये ना आई थिंक इसमें जो भी शेड्स उन्होंने दिखाए थे वेबसाइट पे, इट वाज सपोज टू रिएक्ट टू योर लिप्स एंड पीएच लेवल चेंज होगा और अकॉर्डिंगली वो लिप कलर आपके लिप्स पे आएगा उभर के, दैट्स व्हाट द होल कॉन्सेप्ट वाज। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितने भी लोगों की वीडियोस मैंने देखी इस प्रोडक्ट के रिलीज होने के बाद, वो बस यही कह रहे थे कि तो पिंक ही टर्न हो रहा है, तो पीएच चेंज होके उसे जब पिंक ही होना है तो इतने शेड्स, आई थिंक 8-10 शेड्स निकाले थे उन्होंने, उसको निकालने की क्या जरूरत थी, अगर एक भी निकालते और वो पिंक कलर का होता तो दैट वुड हैव बीन सो गुड, राइट। पर उन्होंने ग्रीन, पर्पल, येलो, स्काई ब्लू, हर तरीके के शेड्स को निकाला और अल्टीमेटली वो पिंक ही टर्न हो रहा था पीएच के, पीएच लेवल जब चेंज हो रहा था लिप्स पे उस प्रोडक्ट लगाने के बाद। सो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ हैविंग सो मेनी शेड्स। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक भी नहीं खरीदा एंड आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द हाइप कि वो गॉड ये इतना अच्छा कलर चेंजिंग लिप बाम है कि मुझे मेरी जिंदगी में चाहिए, सो दैट डिडंट रियली हैपन। आई स्किप दिस प्रोडक्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है डियोर का ब्लश। डियोर का ब्लश बहुत ही ज़्यादा कल्ट फेवरेट है, टिकटॉक पे बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड है, इंस्टाग्राम पे भी मैंने काफ़ी लोगों को इसके बारे में बात करते हुए देखा है। तो डियोर का सिर्फ पिंक ब्लश आता था, हार्ड प्रेस था, वो भी कुछ लोगों को अच्छा लगता था, कुछ लोगों को नहीं लगता था। तो डियोर ने इस साल अपना इन द मंथ ऑफ मे आई कैन सी वन पोस्ट बाय ट्रेंड मूड, जहाँ पे उन्होंने अपने 4 न्यू शेड्स रिवील किए थे। एक था प्लम शेड, एक था पीच शेड, एक था रेड शेड और एक था ब्राउन शेड, महोगनी, आई रिमेंबर क्लियरली, यस दैट्स द नेम। तो ये जो मैं शेड्स के बारे में बता रही हूँ, ये शेड्स जो है मीडियम टू डीपर स्किन टोन्स को भी सूट करेंगे, दैट इज़ अ गुड थिंग। आई वॉज इंट्रीग्ड टू हैव एटलीस्ट वन शेड दिस टाइम, और आप मानोगे नहीं, ये लगभग 3,800-4,000 का ब्लश है, सिर्फ एक ब्लश। तो पहली बात तो मुझे जो मैंने अपने आप को रोका था कि मैं इसे नहीं खरीदूंगी वो था प्राइस पॉइंट, इट इज़ वेरी वेरी प्राइसी। सेकेंड थिंग वॉज ये मेरे पास काफ़ी ब्लश पैलेट्स हैं, मैं मेकअप रिव्यूअर, मेकअप लवर, सो मेरे पास इतने सारे ब्लशेज ऑलरेडी हैं, हाई एंड के भी और अफोर्डेबली प्राइस भी हैं, तो वो मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो मैंने सोचा कि डियोर का एक ब्लश के लिए 4,000 रुपये देना कहाँ से सही है। मैंने बहुत सारे लोगों के मिक्स रिएक्शंस देखे हैं इस ब्लश को लेके, कुछ को अभी भी लगता है कि शेड रेंज अच्छा कर दिया है और फॉर्मुलेशन भी बेटर कर दिया है, और कुछ को लग रहा है कि शेड रेंज कुछ खास नहीं है एंड इट इज़ ओके। आपको ऐसे शार्लेट टर्नबरी और नताशा दिनोना या फिर ऐसे जैसे इंडी ब्रांड्स है, जूवियस प्लेस वगैरह के ब्रांड में ऐसे ब्लश शेड्स मिल जाएंगे रीजनेबली प्राइस, वाई टू पे सच अ लॉट ऑफ मनी। 135 दिरहम का आता है ये ब्लश, बेसिकली वही 3,800-4,000 रुपीज़ के आसपास। सो दैट इज़ वॉट आई सॉ आफ्टर दिस गॉट रिलीज्ड एंड सो मेनी टिकटॉक्स आई हैव सीन। अल्टीमेटली मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस ब्लश को खरीदा नहीं है। यू वोंट बिलीव, अभी भी मेरे सेफोरा विशलिस्ट में है ये, पर मुझे इतना पता है कि मैं कभी भी इतना प्राइसी ब्लश नहीं पिक करूँगी, बिकॉज दैट्स नॉट सीन, तो इसलिए मैंने इसे नहीं पिक किया। नेक्स्ट अप इज जूवियस प्लेस कल्चर 2 पैलेट। कल्चर 1 पैलेट कब आया कब गया मुझे पता नहीं, मैंने एक आध इन्फ्लुएंसर्स को उसके बारे में बात करते हुए देखा था, पर कल्चर 2 पैलेट जब आया था सो आई वाज लाइक ओके फाइन, व्हाई इट इज़ सो पॉपुलर, तो मैंने फिर पता किया कल्चर 1 पैलेट भी था जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था। कल्चर 2 पैलेट जो है वो काफ़ी कलरफुल पैलेट है विथ लॉट्स ऑफ मैट्स एंड शिमर्स। इफ यू डोंट नो, जूवियस प्लेस इज अ ब्लैक ओन्ड मेकअप ब्रांड, कुडोज टू देयर टीम।
तो उन्होंने ये पैलेट निकाला. मैं इसमें इंटरेस्टेड हमेशा से इसलिए नहीं थी क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जंबो साइज का पैलेट है. एंड वन थिंग दैट आई अंडरस्टूड अबाउट माई सेल्फ बींग अ मेकअप लवर, मुझे छोटे पैलेट्स क्यूट भी लगते हैं और हैंडी भी लगते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली भी लगते हैं. बड़े बड़े पैलेट्स मेरे पास हैं बट बहुत कम हैं, एंड थैंकफुली सो मैं हैंडल नहीं कर सकती इतना बड़ा आई शेडो पैलेट. इधर उधर ब्रश घुमा घुमा के मैं आपको ट्यूटोरियल जरूर से दिखा सकती हूँ, पर वो हैंडल करना ना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. नीचे रख के फिर उसमें से निकाल के मुझे आई शेडोज यूज़ करने पड़ते हैं, बट आई डोंट वॉन्ट to do that. I didn't want it to do that ever, and that was the sole reason I had skipped it. आप मेरी बिलाई बाइट वीडियोज़ भी जाके देख लेना, बहुत सारी वीडियोज़ में आपको इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिसको मैंने स्किप किया था, और आई माइट हैव बिन डाइसी फॉर दैट मैटर. बट या अभी मैं बता रही हूँ जूवियर्स का कल्चर टू पैलेट कलर स्टोर इज रियली गुड कलरफुल एंड इट हैज गॉट मैट्स एंड शिमर्स विच आई लव एब्सोल्यूटली. कांट हैव दिस बिग ऑफ अ पैलेट, सो दैट वॉज द रीजन एंड दैट इज द रीजन आई हैव नॉट पिक्ड इट अप. ओके, नेक्स्ट अप इज हुडा ब्यूटीज कलर करेक्टर. एल्फ का कलर करेक्टर इस साल मैंने खरीदा है एंड इट्स क्वाइट गुड. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कहूँगी मैं कलर करेक्टर्स थोड़ा सा कम यूज़ करने लगी हूँ बिकॉज आई हैव फाउंड आउट रिमल्स कैंडन फ्री कंसीलर इन द शेड मीडियम. उसमें ज़्यादा कलर करेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं, मुझे उसका अंडरटोन ही इतना अच्छा है. सो एले गर्ल का कलर करेक्टर मेरे पास है, पीच कलर करेक्टर, ऑरेंज कलर करेक्टर, वही मैं रेगुलरली बहुत सालों से यूज़ करती आ रही हूँ. और हुडा ब्यूटी का कलर करेक्टर मैंने नहीं खरीदा है, ना ही मैं खरीदने वाली हूँ. फाइव डिफरेंट शेड्स इज वॉट शी हैड रिलीज दिस ईयर, इट वॉज रिवील्ड इन द मंथ ऑफ जून बाय ट्रेंड मोड. And it was called Faux Filter Color Corrector. I don't think so I'm going to purchase it and ever. And Huda Beauty as a brand मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरे पास उनके लगभग full face of products हैं which I absolutely love. Eyeshadows are bomb.com, but that's it. I'm not going to purchase these color correctors because I don't need them. And I'm happy मैंने इसे नहीं pick किया. Next up जो है वो है Gizu brand का गोल्डन शिमर ग्लो हनी इन्फ्यूज गीजू का लिप ऑयल. लिप ऑयल हैज़ बिन रियली बिग दिस ईयर. लिप ऑयल, लिप ग्लॉस, लिप स्लिक्स और पता नहीं क्या क्या, जितना ग्लॉसी और शाइनी वो प्रोडक्ट हो वो उतना ही बिकता है मार्केट में. आजकल तो ऐसे ही चल रहा है, हर छोटे से छोटा ब्रांड, हर बड़े से बड़ा ब्रांड ये लिप ऑयल का यू नो दीवाना हुआ है. और इसीलिए मुझे लगता है गीजू ने भी अपना गोल्डन शिमर लिप ऑयल, हनी इन्फ्यूज लिप ऑयल निकाला. इफ़ यू डोंट नो, गीजू इज़ अ ब्रांड जिसमें हनी इज़ द मेन इन्ग्रीडियंट इन देयर प्रोडक्ट्स, एंड दैट्स वाई दोज प्रोडक्ट्स आर रियली रियली कॉस्टली एज वेल. तो गीजू का है प्रोडक्ट है मेरे पास, और उसका है शैम्पू भी है मेरे पास. दीज आर प्रिटी गुड, पर मैंने देखा है गीजू के लिप प्रोडक्ट्स के भी काफ़ी दीवाने हैं. एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने इसे पिक नहीं किया क्योंकि ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी पिगमेंटेड लिप्स पे, मैंने आपको बार बार कहा है कि मेरी जो लिप ऑयल से एक्सपेक्टेशन होती है कुछ तो कवरेज दे, बस शीन इज़ नॉट वॉट आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ अ लिप ऑयल. दैट्स वॉट आई कैन से, दैट्स हाउ इट इज़. अब ऐसा ही है तो ऐसा ही है, और यही एक कारण है जिससे मे बी ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग भी होगा, पर मैं इसे नहीं खरीदने वाली थी कभी भी क्योंकि ये एक तो किसी तरह का मेरा जो लिप पिगमेंटेशन है उसको कवरेज नहीं देगा, एंड इट विल जस्ट गिव नरिशमेंट, एंड फॉर दैट आई हैव टू पे 3,000 rupees. आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट. आई एम नॉट गोइंग टू परचेज इट एवर, इवन दो इट वॉज अ रियली रियली हाई प्रोडक्ट माइंड यू. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ना फेंटी ब्यूटी की वेलवेट लिपस्टिक है पिंक कलर की. बारबी मूवी इस साल आई थी जुलाई में और अगस्त में आई थी यूएई में, जुलाई में वेस्टर्न कंट्रीज में एंड अगस्त में यूएई में आई थी. तो उस समय के आसपास आई थिंक या इट वाज इन द मंथ ऑफ जुलाई 14, क्योंकि जुलाई 20 वाज द रिलीज डेट. फेंटी ब्यूटी रिलीज देयर पिंक वेलवेट लिपस्टिक, आइकन वेलवेट लिक्विड लिपस्टिक बाय फेंटी ब्यूटी, पिंक लिमोसिन विविड हॉट पिंक. I'll not lie, the color is amazing, amazing. It looks so good. बट मुझे पता है मैंने फेंटी ब्यूटी का इसी लिक्विड वेलवेट लिक्विड लिपस्टिक में शेड रीरी आता है वो मैंने लिया था और इसी साल इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन या तो उसमें बस बात यह है कि वो डेमी मैट फिनिश की लिपस्टिक है, पाउडर मैट फिनिश की लिपस्टिक नहीं है. 140 dirham दिए थे मैंने पूरे सफोरा से खरीदे थे, जो कि तकरीबन 2900 rupees का वो लिपस्टिक है. आई वोंट से इट्स वर्थ परचेजिंग. आई हैव बीन रिपीटिंग दिस every now and then, and you should be aware if you really want to support Rihanna's brand and you love Fenty Beauty products, go for it. If you are a fan and you can afford it, go for it. But otherwise, if you are just a makeup lover and you feel that you should have it, stop there, don't purchase it. It's a demi matte finish lipstick, and you can find such lipsticks in drugstore also. There is no doubt ki formula bahut acha hai, there is no doubt, bahut comfortable feel hota hai aapke lips pe, but I do feel it's
वेरी वेरी प्राइसी एंड नॉट वर्थ हैविंग इट एट दैट प्राइस पॉइंट. एंड ये पिंक शेड भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट नहीं 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 इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगी, मैं सेल पे भी नहीं खरीदूंगी इसे, नो वे. तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है फॉर रोमांस पैलेट बाय अनस्ताजिया बेवरली हिल्स. अनस्ताजिया का ये पैलेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, इसका स्नीक पीक आ रहा था. आई वॉज फीलिंग कि ये थोड़ा बरगंडी टोन्ड होगा, बहुत अच्छा कलर लेआउट होगा, अप्रोप्रिएट फॉर फॉल एंड विंटर. आई एम सो 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 डिसअपॉइंटेड राइट नाउ एज वेल. इसको देखना भी नहीं चाहती मैं. मैंने जब इसे इसका स्नीक पीक देखा था, मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, चेरी रेड्स होंगे एंड वॉट नॉट, इट लुक्स सो गुड इन विंटर. आई वॉज इवन थिंकिंग ऑफ हैविंग इट, बट जब इसका कलर ये स्टोरी रिवील हुआ, आई वॉज लाइक आई एल नॉट पिक इट, आई डोंट लाइक द कलर स्टोरी. एंड आफ्टर इट गॉट रिलीज, मैनी पीपल अगेन said the same thing, they didn't expect it to be this from the outer covering of burgundy cherry red color ka covering tha, aur jab usse khola to aisa color aaya. Color story is not up to the mark, it is holiday appropriate, yes they have kept golden, green, brown, the usuals, but nothing wow or as exciting as it could have been. So I'm so happy ki maine ise nahi pick kiya. It and by the way it's their holiday 2023 release apparently. So it's a fall romance palette by Anastasia Beverly Hills. So next up is MAC का holiday collection, Bizarre Blizzard Bash Holiday 2023. MAC का हर साल जब भी आई शेडो पैलेट आता है या कुछ भी लिप प्रोडक्ट आता है, मैं हमेशा ही पिक करती हूँ. मैं एक दो साल से अपने आप को खुद ऑब्जर्व कर रही हूँ, बट इस साल somehow मुझे MAC का holiday collection में से ना सिर्फ उनका एक लिप बाम है जो पिछले साल उन्होंने रिलीज किया था और वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था और वापस कभी नहीं आया. फिजी फील्स, दैट्स व्हाट आई रिमेंबर. वो इस साल वापस आ रहा है. मैं मैक के स्टोर पे भी गई थी, वहाँ पे भी आउट ऑफ स्टॉक है, या बेसिकली स्टोर पे जो रिप्रेजेंटेटिव थी उन्होंने कहा कि वो अभी आया नहीं है और वो स्टॉक अप करेंगे एंड देन इट विल बी शोन ऑनलाइन एज वेल एंड इन स्टोर ऑल्सो. और एक नया शेड भी इस साल ब्लू कलर का एड किया है मैक ने उस लिप बाम में. द वन विच वॉज ओरिजिनली वो देयर, इट वॉज इन गोल्डन शिमरी शेड, और अभी ब्लू शिमरी शेड, मिड नाइट ब्लू शिमरी शेड एड किया है मैक ने अपने हॉलीडे कलेक्शन में. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज अ हाईलाइटर, आई शेडो पैलेट एंड तीन सिंगल आई शेडोज भी हैं, ट्रस्ट, और तीन लिपस्टिक्स भी हैं. आई वुड से आई एम नॉट इन टू एनी ऑफ इट अपार्ट फ्रॉम दैट लिप बाम. मैंने सिंगल आई शेडोज जो है मैक के इस बार उसका स्वॉच देखा है ऑनलाइन, इट इज पथेटिक. आई एम रियली सॉरी टू से दैट एंड बी हार्श, बट आई डिंट लाइक इट. इट्स नॉट मैक, इट्स लुकिंग लाइक अ लिट टॉपर पर से, और लिट टॉपर के लिए आप 2,500 रुपए दोगे वो कहीं से भी सही नहीं है. सो यू ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम हैविंग इट. सेल पे अगर और सस्ते में मिल रहा है नायका पे तो वो जाके देख लेना, अदरवाइज स्किप इट लाइक द वे आई हैव स्किप्ड इट. ओके, आई हैव टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वन फॉर श्योर, बिकॉज आई हैव बीन आईइंग इट फॉर सो लॉन्ग. आई हैव बीन लिसनिंग टू सो मेनी पीपल अबाउट दिस पर्टिकुलर आई शेडो पैलेट बाय मेकअप बाय मारियो. इफ यू डोंट नो, ही इज द मेकअप आर्टिस्ट ऑफ किम कार्डशियन. सो मेकअप बाय मारियो का अपना भी मेकअप ब्रांड है, मेकअप बाय मैरियो करके. उन्होंने एथरियल आईज करके एक आई शेडो पैलेट पिछले साल निकाला था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक चला गया था. दुबई या यूएई में तो मिलता ही नहीं था. इस साल समहाउ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज सपोज टू कम, बिकॉज दे हैव रीलॉन्च द आई शेडो पैलेट एंड इट इज स्टनिंग फॉर फेयर स्किन टोन्स. फॉर मीडियम स्किन टोन्स यू कैन मेक इट वर्क, फॉर डीपर स्किन टोन्स ऑल्सो आई वुड से यू कैन मेक इट वर्क बिकॉज ऑफ द डेप्थ इट हैज गॉट. उसमें जो शिमरी आई शेडोज हैं उसको लेकर लड़कियां पागल हैं. ये आई शेडो पैलेट हर दूसरी फेयर स्किन टोन वेस्टर्न यूट्यूबर के पास मैंने देखा है, मैं जिनको फॉलो करती हूँ, या टिकटॉक पर भी बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है ये पैलेट. एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, आई गेव इट अ थॉट कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए. I didn't purchase it. I won't purchase it. Even though it comes, I'm not going to purchase it. It's not medium skin toned girls के लिए. मुझे लगता है it's not really brown skin tone friendly per se. आप उससे गिने चुने ही looks कर सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है हर दूसरा look एक सा ही लगे. उसमें जो shimmers है उसमें आपको तीन चार, आई थिंक इन टोटल पांच शिमर्स हैं, और सब ग्रे, हल्का सा पिंक, हल्का सा ब्राउन, ब्रॉन्जी, ऐसे अंडर टोन के हैं. एंड आई डू फील कि ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है हमारे जैसे ब्राउन स्किन टोन गर्ल्स के लिए. दिस इज़ व्हाट आई फील एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम गिविंग माई सेल्फ सो एज टू नॉट टू पिक दिस पैलेट एवर, इवन दो आई एम टेलिंग यू इट्स इन माई सेफोरा विश लिस्ट इन माई हेड एटलीस्ट, कि कभी भी आए तो देखूंगी, सोचूंगी, लूंगी. बट आई नो कि मेकअप बाय मैरियो का ये पैलेट आराम से 4,000 रुपए का ये रख सकते हैं. सो दैट इज द रीजन आई एम नॉट गोइंग टू पिक इट एवर.
एंड हैव नॉट पिक्ड इट एंड आई स्किप्ड इट दिस टाइम. एंड ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने इस साल नहीं खरीदे और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ. आप मुझे बताना कि आपने इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कभी सुना था या नहीं. ये प्रोडक्ट्स इस साल रिलीज हुए थे और मैंने स्किप कर दिया, इस बार नहीं खरीदे मैंने और शायद आगे भी ना ही खरीदूंगी. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें. मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.